आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूपी चुनाव होने में महज अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रियंका गांधी अपनी पूरी ताकत के साथ यूपी चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुट गई हैं। और पार्टी के लिए माहौल बनाए भी क्यों ना, क्योंकि हर राज्य में लगभग कांग्रेस पूरी तरह से साफ होती जा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। प्रियंका गांधी न सिर्फ यूपी तक ही सीमित है, बल्कि इस बार उन्होंने यूपी की राजनीति से बाहर निकल कर खुद को असम, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए तैयार कर लिया है। और अब दो दिनों से वो असम के दौरे पर भी है और यहाँ पर वो हर तरह के कभी झूमर डांस करती हुई नजर आती हैं, तो कभी वो चाय बागान मालिकों से उनके साथ बात करती हुई नजर आती है। साथ ही चाय की पत्ती तोड़ती हुई भी दिखाई देती हैं। अब आप इसे चुनावी स्टंट कहें या कुछ और भी, लेकिन प्रियंका गांधी ऐसा लगता है कि हर राज्य में पार्टी को जीत दिलाकर ही रहेंगी। अब बात करें अगर यूपी की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने 10 लाख कैलेंडर उत्तर प्रदेश के घर घर में बांटे जाने का काम शुरू किया। कांग्रेस से संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पार्टी पदाधिकारी अपने प्रभार वाले इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और अब वे ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नए साल के कैलेंडर घर घर पहुंच जाए। ये कैलेंडर थोड़े हैरान करने वाले भी लगते हैं, क्योंकि 12 पेज में से किसी पर भी राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी की एक भी तस्वीर नहीं है। हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि प्रियंका गांधी की वो तस्वीरें भी शामिल की गई हैं जिन दौरों में राहुल गांधी भी उनके साथ रहे हैं, जैसे हाथरस जाते वक्त कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठी से बचाती तस्वीर और हाथरस पहुंचकर पीड़ित के घर में परिवार के एक सदस्य के साथ गले मिलने की तस्वीर। ऐसा ही प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के पोस्टर में देखने को मिला था, जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर तो थी लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नदारद रही। क्या ऐसा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव हार जाने की वजह से हो सकता है? अमेठी की तरह सोनिया गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नजर लग चुकी है और 2024 में वो रायबरेली को भी अमेठी बनाने पर तुली हुई लगती हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था। उत्तर प्रदेश को लेकर छपे कांग्रेस के कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उम्भा गाँव की तस्वीर है। ये तब की है जब प्रियंका गांधी वाड्रा नरसंहार के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी सफल रहा क्योंकि वो पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद ही लौटी थी। जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसरों ने प्रियंका गांधी को बीच रास्ते में ही रोककर गेस्ट हाउस पहुंचा दिया, तो वहीं वो धरने पर बैठ गई और रात भर में ही सरकार को झुकना पड़ा था। अपने वादे के मुताबिक प्रियंका गांधी दोबारा भी वहीं गई थी। तस्वीर में प्रियंका गांधी की वहां की महिलाओं के साथ तस्वीर लगाई गई है। कैलेंडर में नवंबर महीने वाले पेज पर आजमगढ़ की एक तस्वीर है जिसमें प्रियंका गांधी एक छोटी सी बच्ची अनाविया के आंसू पोंछ रही है। ये तस्वीर 12 फरवरी 2020 की है, जब प्रियंका गांधी CAA और NRC को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बिलरियागंज पहुंची थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज में अनविया भी अपनी नानी सरवरी के साथ थी और पुलिस एक्शन सरवरी सहित कई महिलाएं घायल हो गई थी। पुलिस एक्शन से अनाविया काफी डरी हुई थी और जब प्रियंका गांधी पहुंची तब वो रो रही थी। प्रियंका गांधी ने अनाविया के आंसू पोंछ कर उसे चॉकलेट देकर चुप कराया था। ये तो साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पूजा पाठ जैसी तस्वीरों को छोड़ दे तो ज्यादातर में वो पीड़ित, सताए हुए और मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़े होने की अपनी मुस्तैदी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। यूपी को लेकर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम बनाया था और उसके बाद 3 जनवरी से 25 जनवरी तक संगठन सृजन प्रोग्राम चल रहा है। ये सारे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के मकसद से बनाए गए। इसी दौरान पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई और उनके नेता भी तय किए गए। जाहिर है सब यूपी में होने जा रहे पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का ये दावा था कि 25 जनवरी तक संगठन सृजन मुहिम पूरी होने तक हर गांव में 15 से 20 लोग कांग्रेस से जुड़े हुए होंगे और 60,000 ग्राम सभा इकाइयों में संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर थी, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका गांधी की कोर टीम भी एक्टिव थी। एक बात तो है कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी की योगी सरकार के प्रति आक्रामक रुख बनाए रखने के मामले में मुख्य विपक्षी दलों सपा बसपा के नेताओं अखिलेश यादव और मायावती को भी पीछे छोड़ दिया है। मायावती की जो भी रणनीति हो, लेकिन वो ज्यादातर वक्त कांग्रेस पर ही हमलावर और बीजेपी सरकार को सलाह देती नजर आती है। अखिलेश यादव की भी ज्यादातर गतिविधियां बयानबाजी और ट्वीट तक ही सीमित नजर आती है।
हालांकि अब वो कोई ना कोई बहाना खोजकर जगह जगह दौरा भी करने लगे हैं। प्रियंका गांधी की कोशिश यही लगती है कि योगी सरकार को घेरने के मामले में जो लीड वो ले रही हैं, उनके और अखिलेश यादव और मायावती के बीच ये फासले आगे भी बरकरार रहे। मतलब सरकार के विरोध में खड़े होने का क्रेडिट अकेले कांग्रेस को ही मिले, सपा या बसपा को नहीं। वैसे प्रियंका गांधी के लिए चुनौती महज अखिलेश यादव और मायावती ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अलावा सुदीन ओवैसी हद से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, यूपी में भी ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वैसे तो ओवैसी ओम प्रकाश राजभर जैसी छोटी पार्टियों के नेताओं से भी मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा जोर उनका मोहम्मद आजम खां जैसे नेताओं के साथ मिलाने पर है, जो आजकल अखिलेश यादव से नाराज बताए जाते हैं। प्रियंका गांधी की सारी कवायद अपनी जगह है, लेकिन इस बीच रायबरेली में उनकी और सोनिया गांधी दोनों की ही गैर मौजूदगी शिद्दत से महसूस की जा रही है। और इसी का फायदा उठाते हुए अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली में भी एक्टिव हो गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद रायबरेली से कांग्रेस के दोनों विधायक राकेश सिंह और अदिति सिंह तो बागी हो ही गए थे। हाल ही में कांग्रेस के एक PCC सदस्य सहित 35 पदाधिकारियों ने पत्र के जरिए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया, और ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद अमेठी में लगातार हाजिरी लगाती रही, वैसे भी अब रायबरेली को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। अब तो स्मृति ईरानी यहां तक कहने लगी हैं कि 2024 में अमेठी की तरह ही रायबरेली में भी कमल खिलेगा। असल में अमेठी से राहुल गांधी के हार जाने के बाद यूपी में अब रायबरेली ही कांग्रेस के पास बची है। रायबरेली पर नजर तो समाजवादी पार्टी की भी है, लेकिन बीजेपी उसके मुकाबले ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। रायबरेली में स्मृति ईरानी का दौरा तो शुरू हो ही गया है। यूपी के डिप्टी दिनेश शर्मा को रायबरेली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों के भी दौरे का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा लखनऊ दौरे में रायबरेली को लेकर बीजेपी की रणनीतियों की भी समीक्षा करेंगे। आम चुनाव से पहले 2018 में अमित शाह ने रायबरेली में एक बड़ी रैली की थी, और उसी दौरान कांग्रेस MLC दिनेश सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिनेश सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो सोनिया गांधी से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। दिनेश सिंह के भाई राकेश सिंह विधायक हैं, और वो भी अदिति सिंह के साथ ही बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। दोनों में से किसी ने भी कांग्रेस तो नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी गतिविधियां बीजेपी के ही पक्ष में देखी जाने लगी हैं। ये ठीक है कि 2024 में अभी काफी देर है, और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम खड़े करना और उनमें जोश भरने के लिए तिरंगा यात्रा और कैलेंडर मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि स्मृति ईरानी के रायबरेली में सक्रिय होने के बाद कांग्रेस के सामने सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति पैदा तो हो ही गई है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।